भाद्रपद की अमावस्या के अवसर पर धर्मनगरी चित्रकूट दुल्हन की तरह सजाई गई है। भाद्रपद की अमावस्या पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे हैं, जहां श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान कामदगिरी की पूजा अर्चना की और परिक्रमा लगाई है। बता दें कि भाद्रपद की अमावस्या का चित्रकूट में कुछ विशेष ही महत्व है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे और गोस्वामी तुलसीदास जी को भी भगवान श्री राम ने चित्रकूट में ही दर्शन दिए थे। इसलिए भगवान श्री राम के निशानियों को देखने के लिए और उनके दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचते हैं और मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान कामदगिरी की पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगाते हैं। ये भाद्रपद अमावस्या है, ये कुशहारिणी अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है, इसकी प्रसिद्धि है, क्योंकि आज के दिन पुरोहितगण सभी लोग कुशा निकालते हैं और वो कुश के माध्यम से वर्ष पर्यंत जो भी पूजन कार्य होते हैं उनको संपादित किया जाता है। बिना कुशा के कोई भी पूजन कार्य संभव नहीं होता, जैसा कि इसका आयुर्वेद में भी बहुत बड़ा महत्व है। जिस जल में कुशा को डाल दिया जाता है वो कुशा पवित्र हो जाता है। चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, लौकिक पारलौकिक हर दृष्टिकोण से कुशा का महत्व बहुत अधिक है। ठीक इसी प्रकार से आज की वहीं श्रद्धालुओं का मानना है कि अमावस्या के दिन मंदाकिनी नदी में स्नान कर भगवान कामतानाथ की जो भी दर्शन पूजन करता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मेरा नाम नाम है। कहाँ से आए हैं? छतरपुर से। ये बताइए कौन सी अमावस्या है, इसका क्या महत्व है? ये पितर वाली अमावस्या कहलाती है। इसमें जो है तो जो अपने पूर्वज है वो खत्म हो जाते हैं, माता पिता उनके लिए जो एक माह सेवा करना पड़ती है, पानी देना पड़ता है, जल देना पड़ता है, ऐसा है भाई साहब। तो कितनी बड़ी अमावस्या मानी जाती है? ये बहुत बड़ी अमावस्या है, सबसे अच्छी दान करने वाली अमावस्या है। इस अमावस्या में आपको क्या अलग दिखाई दिए पिछले हर अमावस्या से प्रशासन में? जी प्रशासन के इंतजाम क्या नजर आए इस बार? प्रशासन का बढ़िया इंतजाम है, यहाँ पूरी हर जगह हर चौराहे में पुलिस लगी है, बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। हरिचरण शर्मा कहाँ से आए? हम सवालगढ़ मुरैना डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा ये बताइए कि ये कौन सी अमावस्या है और इस बार क्या इंतजाम किए गए हैं, इस अमावस्या का क्या महत्व है, क्या मानता है? अमावस्या है, उस दिन पितरों को जल दान दिया जाता है, जो कुसुम इसी दिन निकाली जाती है, जिसमें कोई ग्रहण किया जाता है कुवार के महीने में, और देव पितृ कार्यों के लिए अच्छी अमावस्या है, और इससे पितृ देवता सब शांत होती है, यहाँ आने से श्री राम की कृपा से सबका कल्याण होता है। वहीं प्रशासन ने भी पहले की अपेक्षा इस बार बड़े इंतजाम किए हैं, जिससे उनके दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई और सुविधा नहीं हो रही है। भीड़ का जो हमारा आकलन है लगभग उसी प्रकार से भीड़ का आगमन हो रहा है, किंतु सुव्यवस्थित पार्किंग और लोगों के आवागमन को लेकर के अलग अलग मार्ग निर्धारित हैं, जिसकी वजह से भीड़ जो है इकट्ठा जो है नहीं हो पा रही है, और लोग सुचारू रूप से स्नान करके भगवान कामतानाथ जी की परिक्रमा करके और सुगमता से अपने घरों की ओर लौटते हैं। इस व्यवस्था के दृष्टिगत 7 जोन और 18 सेक्टर में पूरा मेला क्षेत्र बटा हुआ है, जिसमें पर्याप्त तो पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था है, और साथ ही साथ जो है इस बार पार्किंग की जो व्यवस्था की गई है उससे बहुत सुगमता है। आपको बता दें कि भाद्रपद की अमावस्या के दिन सनातन धर्म में पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अमावस्या का दिन श्राद्ध कर्म करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। साथ ही इस दिन स्नान दान और पूजा पाठ इत्यादि कर्म करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। भाद्रपद अमावस्या को पिठोरी अमावस्या और कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। भाद्रपद की अमावस्या से ही लोग साल भर होने वाले शुभ कार्यों के लिए कुश को आज ही के दिन जल में भिगोकर उसे रख लेते हैं और शुभ कार्य में उसका इस्तेमाल करते हैं। भाद्रपद अमावस्या के कुछ समय बाद ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। अमावस्या तिथि को भी श्राद्ध कर्म करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इस अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
इससे भगवान के साथ साथ पितर भी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।